ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम आदर स्नेह और छोटों को आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पैशन फ्रूट के बारे में और उसके बहुत फ़ायदे मैंने आपको बताए थे, और मैंने कहा भी था कि आजकल इस भौतिकवाद में हम सब अपने शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान न देकर हम भौतिकवाद की तरफ जो है लग्जेरियस दुनिया में हम ज़्यादा इन्वॉल्व अपने को हमने किया हुआ है, है ना, और शरीर का हम अपना ध्यान ही नहीं देते। तो कहते ना जी है तो जहान है, तब भी मैंने ये कहा था। और आज मैं आपको एवोकाडो जो फल है फ्रूट उसके बारे में बताऊंगी। ये देखिए आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, तो अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं कि हम बहुत तरह की बीमारियों से हमारा बचाव हुए, तो आप घर में भी लगा सकते हैं इस प्लांट को, और जब तक नहीं लगा रहे हैं तो आप अगर मार्केट से लाएंगे तो आपने ग्रीन कलर का नहीं लाना है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। जो पका हुआ होता है उसका कलर होता है ब्लैकिश में, कुछ मैरून बन लिए। तो अब ये मैं आपको इसको प्लांट दिखा रही हूँ, है ना, ये देखिए आप। और इसको कैसे लगाना है क्या लगाना है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसी मिट्टी चाहिए इसे, वो सब मैं एक दूसरी वीडियो बना के आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको उसके फ़ायदे बताती हूँ, अगर फ़ायदे बताऊंगी तभी आप चाहेंगी कि हम उसको लगाएं। तो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा क्या है, हम जैसे हम शरीर को अपने जिंदा रखने के लिए, खुद को जीवन देने के लिए क्या खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन हमें पचता नहीं है, कई बार डाइजेशन नहीं होता सही, उसको बहुत ही कंट्रोल करके रखता है पाचन क्रिया, जितनी सांसों से बहुत बदबू आती है, त्वचा संबंधी रोग, बालों के बहुत होते हैं कि बाल बालों का झड़ना, बालों में चमक नहीं है, या कई बार जैसे होता है तो ना बहुत ही डैंड्रफ वगैरह हो जाती है, इन सबको बहुत दूर करके रखता है। और हमारी जो आई साइड है दृष्टि बढ़ाने में बहुत मददगार है, हृदय संबंधी जितने रोग हैं, हार्ट डिजीजेस, और किडनी किडनी की बहुत समस्याएं हैं। और कई बार होते हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम अपने को फ्रेश नहीं फील करते, तरोताज़ा नहीं फील करते, मन करते कि आलस से हमें घिरे हुए हैं और हम फिर लेट जाएं, आराम से उठ रहे हैं फिर लेट गए फिर उठ गए, ये जो बना रहते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल करके रखता है, फ्रेशनेस फील होती है, एक एनर्जी आएगी ना खाने से, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। और गठिया संबंधी जितने रोग हैं, कैंसर का इलाज करते बहुत बढ़िया है। और एक और सबसे बड़ी जो मैंने कृष्ण फल पैशन फ्रूट में भी बताया था कि सब काम जो है आजकल कंप्यूटराइज हो गए हमारी ज़िंदगी, तो हम हमारा वज़न बहुत बढ़ता है, उसको कंट्रोल करते हैं वज़न घटाने के लिए, और हड्डियों संबंधी रोग हैं, डायबिटीज़, इन सब में बहुत ही लाभकारी है ये फ्रूट। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको लगाइए और अपने जीवन को सुखदायी बनाइए। और अगर आप इस फ्रूट को कच्चा लाएंगे तो आप 15 दिन के बाद आपने उसको कट करना है, और ये आप देख रहे हैं इसका ये जो है ना बीज हटा देंगे और इसका जो ये पल्प है ये आप खा सकते हैं किसी भी तरह। फिर मिलूंगी किसी नई बात के